नमस्कार, स्वागत है वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण चौहान। गैंगस्टर अतिक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में तीन हत्यारों ने हत्या कर दी। करीब 40 सेकंड में 10 राउंड गोली फायर करके हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे देश में सियासत गर्म है। साथ ही समाज में एक बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे सही, और कुछ लोग पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सभी के बीच इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए, तो अब मध्य प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे अतिक अहमद और अशरत अहमद की हत्या पर सवाल पूछा, तो कमलनाथ ने इसके बारे में क्या कहा, आप भी सुनिए। आपने इस तरीके की तस्वीर कैमरे के सामने खुले आप जो अतिक देखिए, बड़े दुख की बात है। आज खुले रूप से जो ये मर्डर हो रहे हैं, ये क्या इशारा करते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था क्या है, क्या राजनीति हो रही है अब उत्तर प्रदेश में और अपने देश में। साफ मर्डर हो रहा है, एक दिन किसी का होता है, उसके दिन भाई का होता है, ये क्या संकेत है इसके? ये आज सबको सोचने की बात है, केवल मुझे सोचने की बात नहीं है, पूरे समाज को सोचने की बात है कि कहाँ अपना उत्तर प्रदेश और कहाँ अपना देश घसीटा जा रहा है। ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें मैं सोचता हूँ सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले और इसकी जांच ऑर्डर करें। सर आदित्यनाथ ने कहा था, जिसके बाद भाजपा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है। सिरोही सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए अतीक और अशरफ के मर्डर पर कमलनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कमलनाथ के रिश्तेदार मर गए, इन सब के माए बाप मर गए, इनके वोट बैंक कम हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था, तब एक भी कांग्रेसी ने क्या कोई स्टेटमेंट दिया था? हमारे देश में हमारे लोगों को मार मार कर भगाया गया, तब इनको तकलीफ नहीं हुई? अब जब देशद्रोही हत्यारे बदमाश गुंडों का सफाया हो रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है? तो समझ जाओ कांग्रेस किसके साथ है, गुंडों के साथ है कि देशद्रोहियों के साथ। अब ये सियासी बयानबाजी कहाँ तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए वीके न्यूज एमपी के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।